तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पीएम सोलर पैनल योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। मैं आपको बता दूं कि अब सरकार आपको दे रही है सोलर पैनल आपको फ्री में, मुफ्त में। अगर आप भी सोलर पैनल योजना लगाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में दिखाएंगे और हम बताएंगे कि कैसे आप सोलर पैनल योजना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी सोलर पैनल अगर लेना चाहते हैं तो इजीली सभी के लिए जो कि सरकार दे रही है मुफ्त में सोलर पैनल, जो कि ये केंद्र सरकार की तहत से आती है, ये केंद्र सरकार के तहत से आती है, जो कि ये सोलर पैनल सभी हर घर में जो कि सोलर पैनल देने का योजना बनाया गया है। ये जो कि घोषणा किया गया है कि हर घर में जो कि सोलर पैनल को पहुंचाना ही पहुंचाना है। आप देख सकते हैं ये थंबनेल में डायरेक्ट बता रहा है, सरकार दे रही है मुफ्त सोलर पैनल, अपने घर में भी लगवाएं। तो इसके लिए अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई पैसा कोई चार्ज आपको देना नहीं है, बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको पहले नंबर तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद फिर आपको कुछ दिन के बाद आपको स्टेटस चेक करते रहना है, उसके बाद ये आपको जो कि सोलर पैनल आपके घर पे लगा दिया जाएंगे। तो चलिए कैसे इसे आपको अप्लाई करना है सोलर पैनल लगाने के लिए, जो कि मुफ्त में आपको दिया जाएगा, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लेना है। तो ये पीएम जो कि ये केंद्र सरकार के है तो सोलर पैनल योजना, तो चलिए कैसे आपको लगाना है। पहले चलिए हम चलिए सोलर पैनल लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने ब्राउजर में आ जाना होगा। तो चलिए हम यहाँ से ब्राउजर को ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज मिल जाती है, उसके बाद अब आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम आपको लिखकर सर्च कर देना होगा। जैसे ही सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। चलिए और आपको नीचे आ जाना है। अब जैसे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाती है, और नीचे आपको आने की उसके बाद यहाँ देखने के लिए मिल जाती है आपको, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ हेडिंग देख लेना है सेम सोम न्यूज, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना होगा, नीचे अब आते हैं, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हैं आपको मिल जाती है सरकार दे रही है मुफ्त सोलर पैनल, अपने घर में भी लगवाएं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सोलर पैनल के लिए पहले नंबर तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको दे रहा है जो कि हेडिंग में ये कि सोलर पैनल योजना सरकार दे रही है मुफ्त सोलर पैनल, अपने घर में भी लगवाएं, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। चलिए कुछ इसके बारे में विशेष जानकारी के बारे में बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं, और आज हम इस वीडियो में आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप सोलर पैनल अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे हुए। कहीं अप्लाई करने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो देख सकते हैं केंद्र सरकार दे रही है, केंद्र सरकार के तरफ से सभी नागरिकों को सोलर पैनल मुफ्त में दिया जा रहा है। अगर आप भी अपने बिजली बिल से परेशान हैं और घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो सरकार इसमें आपकी मदद कर रही है। घर पर सोलर पैनल लगवाने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ आते हैं इस पर, तो कह रहा सोलर पैनल योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 40-60% की सब्सिडी भी दे रही है। इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद अपनी आपके घर जाकर सोलर पैनल लगवाएगी और आपका जो भी खर्चा होगा उसका प्राप्त अनुसार निर्धारित प्रतिशत आपके बैंक में सब्सिडी के रूप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको सब्सिडी भी भेजा जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ आते हैं तो कुछ आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि पहले किसानों के लिए शुरू किया गया था ताकि वह सोलर पंप का इस्तेमाल करके अपने बिजली खर्च को कम कर सकेंगे। आगे चलकर यह योजना सभी लोगों के लिए लागू कर दी गई है। 3 किलोवाटर 10 किलोवाटर तक की सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी जारी कर दी गई है। आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
करके सोलर पैनल प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित कंपनी का सोलर पैनल प्राप्त करने पर आप किस उपयोग के लिए कितना सोलर पैनल ले रहे हैं इसके अनुसार सब्सिडी दिया जाएगा। बता दे खेती के लिए सोलर पैनल पंप लगवाने पर 60%, सोलर पैनल लगवाने पर 40% की सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये देखिए, सोलर पैनल का लगाने का देख सकते हैं। अब इसमें हम विस्तार से जानेंगे। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाने की सुविधा किसको दी जा रही है। वर्तमान समय में सरकार ने सोलर पैनल लगवाने वाले व्यक्ति की आर्थिक आय को निर्धारित नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करके सोलर पैनल लगवा सकता है और सरकार के सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। यह सब्सिडी कुछ निर्धारित कंपनी के सोलर पैनल लगवाने पर ही दिया जाएगा। उन सभी कंपनियों का नाम आधिकारिक वेबसाइट पर किलोवाट सोलर पैनल के लिए एक वर्ग मीटर की जगह चाहिए। इस वजह से आपकी छत पर पर्याप्त जगह होना चाहिए ताकि आप सोलर पैनल लगवा सके, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं। अब देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इसको फॉर्म को भरना है। अब चलिए हम लोग फॉर्म को फिल कर लेते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको देखिए यहाँ आपको एक वेबसाइट मिल जाती है। अब यहाँ आपको वेबसाइट मिल जाती है। सबसे पहले आपको सोलर पैनल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तो इस पर आपको क्या करना होगा, ये देखिए अधिक वेबसाइट पर यह लिंक पर क्लिक कर देना होगा। चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए डायरेक्टली हम लोग आ गए जो कि नेशनल पोर्टल फॉर्म प्रूफ सोलर, ठीक है। अब यहाँ आते हैं तो अब क्या करना होगा, पहले नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद तब आपको लॉगिन होना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, आपको 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फर्स्ट में यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 3 स्टेप आपको दिया है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फिनिशिंग आपको करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर फिनिशिंग, तो आपको स्टेट चूज कर लेना होगा कि कौन से आप राज्य में स्टेट में रहते हैं। अब यहाँ देखिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिक्ट कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिक्ट कंपनी लिमिटेड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद कह रहा है देखिए कंज्यूमर अकाउंट नंबर आपको डालना होगा, जो भी आपके पास अकाउंट नंबर होगा वो आपको अकाउंट नंबर इसमें डाल देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से डाल देते हैं। हाँ तो चलिए हम यहाँ से डाल लेते हैं। बयासी बारह, उसके बाद यहाँ आपको 19 डालने के बाद आपके यहाँ एग्री पर टिक लगा देना होगा। एग्री पर टिक लगाने के बाद नेक्स्ट का बटन मिलती है, नेक्स्ट वाला बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जिसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे फेज पर आ जाते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। अब आपको यहाँ OTP और ईमेल का OTP आपको डालकर जो कि सबमिट करना है। उसके बाद OTP कब आएगा, यहाँ आपको अपना पहले नंबर मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद नीचे ईमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद आपका सबमिट होगा। तो चलिए हम यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। आपको डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ को क्या करना होगा, सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर क्लिक कर देना होगा। अब देखिए आपका OTP चला गया आपके मोबाइल नंबर पर, और यहाँ से OTP आपको डालकर सबमिट करना है, और फिनिशिंग पर अपना नाम, पता और एड्रेस आपको डाल लेना होगा। उसके बाद डाउनलोड लिंक फॉर्म सेंड ऐप, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फॉर्म को QR कोड के तरफ से। तो आई होप ये वीडियो पसंद है, इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी भर रखा है, तो आप इसी तरह भर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।